हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग सेंटर में। आज हम चॉकलेट मफिन्स बनाने की रेसिपी देखेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए हमारी रेसिपी को जल्दी से देखते हैं कि कैसे बनते हैं ये चॉकलेट मफिन्स। मफिन्स बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बाउल मैदा लेंगे, 2 छोटे चम्मच हम यहाँ पे कोका पाउडर लेंगे चॉकलेट फ्लेवर के लिए, और आधा बाउल से भी कम हम यहाँ पर शुगर पाउडर ले रहे हैं। एक बाउल हम यहाँ पर मिल्क ले रहे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे है, और 2 चम्मच ही हमने यहाँ पर तेल लिया है। अब यहाँ पर हम एक बाउल में 2 चम्मच तेल और जो हमने पाउडर्ड शुगर ली है उसे और कोका पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है। इसे हम फेटेंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगी ये। अब हम इसमें थोड़ा मैदा मिलाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा मैदा और थोड़ा थोड़ा दूध मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक साथ मिक्स करने से यहाँ पर गांठें पड़ सकती है, इसलिए आप इसी प्रोसीजर को अपनाइए। थोड़ा थोड़ा मिक्स कीजिए, और जब कुछ इस तरह से हमारा बैटर मिक्स हो जाए तो फिर से थोड़ा थोड़ा मैदा और थोड़ा थोड़ा दूध लेकर इसे मिक्स कर लीजिए। ध्यान रहे इसमें थोड़ी सी गांठें ना पड़े, तो इससे हमारा बैटर अच्छे से स्मूथ बनेगा। इसे अच्छे से फेटने के बाद कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर हमें मिलेगा। देखिए, इसमें चॉकलेट फ्लेवर भी आ गया है, और ये ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ही ज़्यादा पतला है। तो बैटर हमारा रेडी है। अब मैं यहाँ पर टी कप्स ले रही हूँ, जो डिस्पोजल कप होते हैं जिसमें हम यूजुअली चाय पीते हैं। उन्हें मैंने अंदर से तेल लगा दिया है ताकि मफिन्स चिपके नहीं अंदर, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा इन्हें भर देंगे बैटर को। आप ध्यान रखिए, इसको आधे से आधा ही भरना है हमें। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं एक रिंग रख रही हूँ और उसके ऊपर एक प्लेट रख रही हूँ। अब इस पर हम हमारे टी कप्स भरे हुए रख देंगे। आप देखिए, मैंने इन्हें ज़्यादा नहीं भरा है क्योंकि ये फूलते हैं, अगर आप ज़्यादा भरेंगे तो ये ओवरफ्लो भी हो सकते हैं, इसलिए आप इन्हें आधा या उससे थोड़ा ज़्यादा ही भरें, पूरा ना भरें। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमें इसे बेक करना है। हम इसे कवर कर देते हैं। करीब 20 से 25 मिनट के बाद हम हमारे मफिन्स को चेक करेंगे। हमारे मफिन्स बहुत अच्छे से बैक हो गए हैं और बहुत अच्छे से फूल गए हैं फ्रेंड्स। तो इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए ताकि हमारे मफिन्स अच्छे से निकल जाए। तो बिल्कुल हल्का ठंडा होने के बाद ही हम इन्हें निकालेंगे। अब देखिए, मफिन्स हमारे हल्के ठंडे हो गए हैं, अभी भी थोड़े से गर्म हैं, लेकिन इन्होंने अपने कॉर्नर्स अपने आप ही छोड़ दिए हैं, और बिल्कुल डोम शेप, जो हमारे मफिन्स का एक्चुअल शेप होता है, वो इसमें आया है। आप देख सकते हैं थोड़ा गुंबद शेप आया है। तो चलिए इन्हें हम प्लेट में निकाल देते हैं। प्लेट में निकालने के लिए आप बस इन्हें थोड़ा सा हिलाइए और उल्टा कर दीजिए, तो बड़ी आसानी से ये मफिन्स हमारे निकल जाते हैं डिस्पोजल बैग से। और देखिए कितने सॉफ्ट और फ्लफी हैं ये। तो बहुत प्यारे मफिन्स बने हैं, चॉकलेट फ्लेवर के हैं, तो ऑलरेडी हमारा फेवरेट फ्लेवर होता है ये, और बिल्कुल भी चिपके नहीं है ये टी कप्स में। तो देखिए, मैं दूसरा निकाल रही हूँ और ये भी बड़ी आसानी से निकल गया है। देखिए कितना प्यारा शेप है इसका, एकदम डॉम शेप आया है, जो कि परफेक्ट मफिन्स की निशानी होती है। तो कुछ इसी तरह से हमें सारे मफिन्स को बस थोड़ा थोड़ा सा हिलाना है और उल्टा कर देना है। ये टी बैग्स में बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं क्योंकि हमने टी बैग्स को ऑलरेडी ग्रीस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमें हमारे सारे मफ्स निकालने हैं। बहुत ही परफेक्ट मफिन्स बने हैं हमारे, और बहुत ही सुपर सॉफ्ट और टेस्टी हैं ये, बड़ी जल्दी से बन जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए फ्रेंड्स। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। बाय बाय।